हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एचडी मैथ क्लासेस पर। अच्छा, कल हमने क्या देखा था? प्रश्न नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया था। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चन का मेथड एक ही है। चलो, ज़्यादा समय लेकर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन देखो है आसान, परंतु लॉन्ग क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरा, वह है 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। देखो, कल भी इस फॉर्मूले की बात करी थी मैंने, विविक्तर की, जिसको मैं डी से प्रदर्शित करता हूँ, बराबर क्या था इसके, d² - k 4ac। और एक द्विघात का एक फॉर्मूला था मेरा, वो था ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। तो इसी द्विघात समीकरण से मैं इस समीकरण को करूँगा, मतलब ए बी सी के मान निकाल लूँगा, इससे इसकी तुलना करूँगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, समीकरण क्या थी, 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। और मेरे पास जो द्विघात का जो फॉर्मूला है वो है ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। देखो, ऐसे भी मैं इस समीकरण से भी मैं ए बी सी के मान ऐसे ही निकाल सकता हूँ, परंतु आपकी सुविधा के लिए मैं ये द्विघात समीकरण यहाँ पर लिखता हूँ, जिससे कि हमें ए बी सी के मान निकालने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, इससे आसानी होती है ए बी सी के मान निकालने में। कैसे, देखो, हमें पता है यहाँ भी x² और यहाँ भी x² है, परंतु ए के स्थान पर कौन है, 4 है, तो ए का मान होगा 4, ए की वैल्यू होगी 4। देखो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, परंतु बी के स्थान पर क्या है भाई, बी के स्थान पर है मेरा 4√3। ठीक है भाई, और देखो यहाँ भी सी है, और सी के स्थान पर कितने हैं, सी के स्थान पर है 3। तो ए बी सी के मान मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब विविक्तर का फॉर्मूला क्या है, तो विविक्तर का जो मेरा फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, विविक्तर का जो मेरा फॉर्मूला है वह b² - k 4ac, यानी d = ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, हम मान रखते हैं, और देखो b का मान कितना है, b का मान है 4√3। चलो यहाँ पर रखेंगे, b का मान कितना है, b का मान है हमारे पास 4√3, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगाएंगे। ठीक है, b का मान कितना है मेरे पास, b का मान है 4√3, 4√3 रख दिया, और ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैट का फिर रिपीट करता हूँ। b का मान मेरे पास कितना है, 4√3, तो b का मान क्या था, 4√3, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब -4, ए का मान कितना है, ए का मान है मेरे पास कितना, 4, ए का मान कितना है, 4, ए का मान मेरे पास 4 × c का मान कितना है, 3। तो ए का मान भी रख दिया मैंने, सी का मान भी रख दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4√3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर देख लो क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 4√3 दो बार है, जैसे कि हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, दो दो बार होता है, ऐसी 4√3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4√3 × 4√3। देखो, 4 × 4 में करेंगे, 4 × 16। अब मैं √3 × √3 में करूँगा, अब मैं √3 × √3 में करूँगा, तो जब भी कोई संख्या रूट में हो ना, जब भी दो संख्या रूट में होगी, तो रूट से रूट कर जाता है, अकेली वही संख्या जो अंडर रूट में बचती है वही बाहर निकल कर आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, देखो यहाँ पर क्या था, 4√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 4√3 दो बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर ये। तो 4 × 4 में करूँगा, 4 × 16, परंतु देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है। अगर मैं √3 × √3 में करता हूँ ना, तो √3 × √3 में गुणा करेंगे, तो इस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, तो संख्या 3 हो जाती है। मतलब कहने की बात है, जब भी कोई दो संख्या अंडर रूट में हो ना और उनकी गुणा करेंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, जो संख्या अंडर रूट में होती है वही हो जाती है। या आपके अगर ये भी बात समझ में नहीं आती है, तो एक और नियम होता है, जैसे कि कोई संख्या अंडर रूट में पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, तो 2 × 2, ऐसे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। तो यही बात है यहाँ पर। तो ऐसे हम देख क्या करते हैं, जब भी कोई संख्या अंडर रूट में हो और उसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो तभी संख्या वही बचती है। वही नियम यू लागू होता है यहाँ पर, और ऐसे नियम यहाँ पर लागू होता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या था, 4√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या हमारी 2 बार है। तो 4 × 4 में करेंगे, 4 × 16 मल्टीप्लाई यानी गुणा, और √3 × √3 में करेंगे भाई, √3 × √3 में करेंगे, तो रूट से रूट खत्म, क्या बच जाएगा, 3, तो 16 * 48, 16 * 48, तो इसके स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, 48 - 4 × 16, 16 *
अड़तालीस, 4 चौक 16, 16 किया 48। देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, मतलब 0 होगा। और मैंने नियम क्या था हमारा, अगर डी यानी विभक्तर का मान, विभक्तर यानी डी, अगर इसका मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तब यह अस्तित्व में होगा, ये नियम था हमारा। ठीक है, मैं एक बार उसको रिपीट कर दूंगा। भाई बी स्क्वायर का मान, मतलब बी का मान कितना है मेरे पास, बी का मान है 4√3, 4√3, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस नुक्का नहीं, 4 नुक्का नहीं, ए का मान था 4, 4, सी का मान था 3। 4√3 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 कितने 4√3 कितने बार है, 2 बार है, 4 चौक 16। और √3 × √3 में करेंगे तो अंडरूट से अंडरूट खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा खाली। कभी आप 3 3 9 कर दो, बस अंडरूट से अंडरूट हो जाएगा, जो संख्या अंडरूट में होगी वही संख्या बचेगी। तो अंडरूट में संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 आएगा, 16 3 48, माइनस 4 जो 16, 16 3 48, आपस में कटेगा तो 0 आएगा, मतलब अस्तित्व में होगा। तो अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम, का मैंने आपसे कल भी बताया था नियम क्या है, तो मेरे पास समीकरण बांट के फिर मैं दोबारा लिखता हूँ। समीकरण दिया 4x², वीडियो में थोड़ा सा धुंधला पड़ रहा है भाई, 4x² प्लस 4√3x, क्योंकि बस वो पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वो अस्तित्व में है या नहीं, इसके बाद तो हमारा काम अब शुरू होता है। तो इसमें क्या करना है, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर जो भी पहली संख्या होगी वो कुछ भी संख्या हो उसी संख्या से हम पूरे समीकरण में भाग करेंगे। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो x² के गुणांक में, x² के गुणांक में कुछ भी संख्या हो वही संख्या पूरे समीकरण में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण में 4 से भाग करने पर, समीकरण में 4 से भाग देने पर या करने पर बात यह कि, तो मेरे पास जो समीकरण है वह है वही 4x² / 4 प्लस 4√3x बटे 4 प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखो बच्चों, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, परंतु 3/4 तो कटना का नहीं, स्क्वायर से जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² + √3x प्लस 3/4 नुक्का नहीं बराबर 0, ये तो नियम था। तो अब मैं इस समीकरण को द्विघात, जो मेरे द्विघात समीकरण है, अब इस समीकरण को मैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या के नाम का मैंने आपसे कल भी नियम बताया था कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी चाहे वो कुछ भी हो x² के गुणा में उसी संख्या से हम इस समीकरण में भाग करेंगे। तो क्या था, 4 था, तो समीकरण में 4 से भाग देने पर, यहाँ भी भाग कर दे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, 3/4 नुक्कड़ नहीं। अब क्या बचेगा, x² + √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब मैं इस प्लस के 3/4 को दरवे ले जाऊंगा, तो x² + √3x बराबर, ये प्लस का दर्जा हो जाएगा माइनस के 3/4। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, देखो मैं हटके फिर रिपीट करता हूँ, दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, एक फॉर्मूला था मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, क्या था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये मेरे दो फॉर्मूले थे, ये आपको याद करने ही करने हैं मेरे बच्चों, इसके बिना आपको काम नहीं चलना था। और समीकरण क्या है मेरे पास, x² प्लस के √3x बराबर माइनस के 3/4, ये मेरे पास समीकरण है। अब देखो शुरुआत में यहाँ पर प्लस है, प्लस है तो प्लस प्लस किस में है, प्लस इसमें, यहाँ पर प्लस है तो प्लस किस में, इसमें, तो मतलब कि यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के स्थान पर कितना है, x² है, मतलब ए का मान कितना होगा, ए स्क्वायर का मान कितना होगा, x², ए स्क्वायर का मान कितना होगा, x² प्लस, भाई बी स्क्वायर का मान यहाँ से है नहीं, तो अब इसको कोष्ट में रख दो, ए स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 फिक्स है मेरा, 2 फिक्स है मेरा, 2 मेरा फिक्स है, ए का मान कितना है मेरे पास, ए का मान है एक्स, एक्स ए का मान एक्स, और बी का मान हमें ज्ञात करना ही है, बी का मान मुझे ज्ञात करना है, इसको मैंने कोष्ट में ले दिया बराबर, माइनस के 3/4 नुक्कड़ नहीं,
जो मैं यहाँ पर लेऊंगा वही मैं यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो नियम है जो मैं यहाँ पर लेऊंगा वही मैं यहाँ पर लेऊंगा। तो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर, ए के स्थान ए स्क्वायर के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 99। बी स्क्वायर का मेरे पास मान नहीं है तो उसकी जगह मैंने खाली खाली छोड़ दी है, प्लस 299। ए का मान कितना एक्स है, एक्स कर दिया भाई, यहाँ ए स्क्वायर था ए स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर का मेरे पास मान नहीं है, प्लस 299। ए का मान कितना एक्स, एक्स बी का मान मुझे ज्ञात करना है, बराबर माइनस के 3/4, जो मैं ज्ञात करूँगा वही यहाँ पर होगा। तो अब नियम क्या देखो बच्चों, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है रूट 3, जो एक्स का गुणांक होगा, केवल मैंने एक्स स्क्वायर कहा सॉरी इसके लिए, जो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कितना है रूट 3, इसमें आँख मीच कर आप 1/2 से गुणा कर दो, मतलब जो भी यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा, जो भी यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा उसमें आपको 1/2 से क्या करनी, गुणा करनी है। मैंने पहले दो क्वेश्चन वैसे कराया है तो ये तीसरा क्वेश्चन है, सभी में यही क्या है कि यहाँ पर जो भी एक्स का गुणांक होगा उसमें आपको 1/2 से गुणा करनी है। तो इसके नीचे एक मान लिया, रूट 3 एकम रूट 3 और 2 एकम 2, रूट 3 एकम रूट 3 2 एकम 2, तो कितने का रूट 3/2, ये हमारा बी का मान होगा, ये हमारा बी का मान होगा, ये हमारा बी का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर था प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है रूट 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 फिक्स है, ए का मान एक्स और बी का मान रूट 3/2, मतलब बनगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, फॉर्मूला किसका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए के स्थान में क्या लिखूंगा एक्स, क्योंकि ए का मान कितना है एक्स है, प्लस और बी का मान अभी निकला था रूट 3/2, रूट 3/2 ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, ए का मान कितना एक्स है एक्स लगा दिया भाई, ए का मान एक्स ही तो है हाँ ठीक है, प्लस बी का मान कितना था रूट 3/2, रूट 3/2 ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, बराबर माइनस के 3/4 नुक्का नहीं प्लस। अब देखो ये दोनों संख्या क्या है, कोष्ठ में और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अब ये स्क्वायर से उसका अंडरूट खत्म कर देगा, अभी पीछे भी समझाता है ऐसे क्वेश्चन, ये स्क्वायर का अंडरूट खत्म कर देगा, जो अंडरूट में संख्या होगी वही बच जाएगी, तो अंडरूट में संख्या 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा इसी क्वेश्चन को, यहाँ पर भाई अंडरूट 3/2 का होल स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर अंडरूट 3 जो है इसका अंडरूट खत्म कर देगा, यू स्क्वायर जो अंडरूट 3 है इसका अंडरूट खत्म कर देगा, और जो अंडरूट में संख्या होगी क्या है अंडरूट में संख्या 3, 3 ही बचेगा, परंतु 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, क्योंकि 2 अंडरूट में नहीं है केवल 3 ही है, तो अंडरूट 3 था, अंडरूट 3 का जो अंडरूट है वो स्क्वायर से खत्म होगा। मैंने समझाया था कि कोई संख्या अंडरूट में है ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर इसका अंडरूट खत्म कर देगा, जो संख्या अंडरूट में होगी वही बचेगी। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो मेरा हर समान है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 मेरा एलसीएम आएगा, और जब भी हर समान हो तो ऊपर संख्या ऐसी आ जाती है माइनस के 3 प्लस के 3, हर समान था तो ऊपर संख्या नहीं आएगी भाई, माइनस के 3 है प्लस के 3 है तो आपस में कटेगा मतलब 0 आएगा, कितने का 0 आएगा, और बट्टे में 4 है, अब मैं 4 से भाग करूंगा 0 को, 4 से भाग करूंगा 0 को तो 0 ही आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा एक्स प्लस के रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और वो भी प्लस माइनस के, मैंने बोला था जब भी कोई नहीं अभी कहाँ, अभी तो मेरा स्क्वायर लगवाना है, तो इस स्क्वायर को टर्न के नाम क्या संख्या, यह संख्या क्या आ जाएगी अनरूट में, तो एक्स प्लस के रूट 3/2 तो 0 क्या आ जाएगा अनरूट में, और 0 का स्क्वायर कुछ भी उसका मान 0 होता है, तो एक्स प्लस के रूट 3/2, 0 को अंडरूट से बाहर निकाल लेंगे तो प्लस माइनस 0, भाई 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हर समान थे भाई, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो 4 ही मेरा एलसीएम आएगा, अजीब हर समान हो तो प्लस संख्या से आती है, तो माइनस के 3 था प्लस के 3 आपस में कट के 0 आएगा। ठीक है, अब मैं लूंगा प्लस का चिन्ह इसके बराबर, एक्स प्लस के रूट 3/2 बराबर प्लस के 0, अब प्लस का दर्जा हो जाएगा माइनस का, तो भाई माइनस क्या है तो माइनस के रूट 3/2 ही होगा, क्योंकि 0 क्या मतलब है 0 कोई वन नहीं, अब मैं माइनस का चिन्ह लूंगा, सवाल वही एक्स प्लस के रूट 3/2, अब क्या माइनस के 0 ले लिया भाई, माइनस के 0 से प्लस 0 बात एक ही होती है, बस इसको दलेज हो जाएगा माइनस की बनाई होगी, तो दोनों माइनस के हो गए, तो एक्स के जो मूल आ गए माइनस के रूट 3/2 कम माइनस के रूट 3/2, मतलब एक यू एक यू एक यू एक यू, तो दोनों मान आएंगे माइनस के रूट 3/2 है ये भी, तो एक बार देख लो आप भी स्क्रीनशॉट ले लो,
ये मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2x² + kx + k4 = 0। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरे पास, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना, मेन पॉइंट है सपोर्ट करना, क्योंकि आप ही सपोर्ट करेंगे। मेरा भी नया चैनल है बच्चों ये, तो आपको सपोर्ट करना है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो 2x² + kx + k4 = 0, नियम वही है विविक्तर वाला। क्या विविक्तर बराबर क्या है, मतलब d = b² - k4ac। और तुलना करूंगा मैं इसकी उसी समीकरण से, क्या दे समीकरण, ax² + kbx + kc = 0। ठीक है बच्चों, चलो मैं रखता हूँ यहाँ पर। क्या है, 2x² + kx + k4 = 0 था, और यहाँ पर था ax² + kbx + kc = 0 बराबर 0। तो आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कर देना बच्चों, तो मैं थोड़ा सा अगली वीडियो में थोड़ी सी अपनी जो वॉइस है उसको थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा तेज बोल दूंगा। तो ठीक है बच्चों, अब करते हैं तुलना। कर लिए मैंने, ए बी सी का मान निकाल लिया यहाँ से, और विविक्तर का मान मतलब डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या डी के बराबर होना चाहिए, ये तभी अस्तित्व होगा वरना नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, परंतु ए का मान कितना है, ए का मान है 2। ऐसे देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, परंतु बी का मान क्या होगा, समस्या ये तो यह आएगी ना बच्चों। देखो हमेशा जब भी x या y कुछ भी है, ए बी सी डी यानी a to z, जो हमारे चर हो गए, चर संख्या क्या होती है, a to z, यानी a to z का मतलब होता है ए बी सी डी के जितने भी अक्षर है सब चर कहलाते हैं। अब चर यहाँ से x है, अब x का गुणांक कितने हैं भाई, हाँ तो x² का गुणांक 2 है। तो ऐसे ही जिस संख्या का अज्ञा, यानी किसी चर का अज्ञा कोई भी संख्या न हो तो इसका मतलब वहाँ पर 1 होता है। किसी चर का अज्ञा अगर कोई संख्या न हो तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो x का जो गुणांक होगा 1 होगा, तो b के स्थान पर कौन है, 1, और c का मान कितना है, 4। ठीक है भाई, ए बी सी का मान निकाल के, और तो डी विविक्त का फॉर्मूला है b² - k4ac। अब देखो बच्चों, b का मान कितना है मेरे पास, b का मान है मेरे पास 1, b का मान कितना है 1, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, -4, a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 4 भाई, b² का मान कितना है, मतलब b का मान कितना है, b का मान है मेरे पास 1, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, -4, नुक्कड़ नहीं ये फिक्स है, a का मान कितना है 2, c का मान है 4, 1 का स्क्वायर कितना भी उसका मान 1 ही होता है, -4 × 8, 8 × 32, 32 से 1 का -31 भाई, -31 0 से बड़ा होता है छोटा होता है भाई, -31। आपने अगर डाउट हो तो देख चीज करता हूँ, आपने एक सरल रेखा पढ़ी होगी, ठीक है, या 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, और बीच में जो जीरो, जो बीच में बिंदु होता है वो होता है मतलब 0। अगर मैं इधर चलूंगा तो प्लस, इधर जाऊंगा तो माइनस, ये नियम था। अब देखो इधर चलूंगा तो माइनस, तो माइनस का 1, माइनस का 2, तो -31 भी आएगा, ऐसा आएगा ना, तो 0 से छोटा है, तो मतलब 31 क्या है, 0 से छोटा है, मतलब डी 0 से छोटी है, डी का मान 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस 31 आया, तो मतलब कि अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, अजीब अस्तित्व में नहीं होगा, तो ये समीकरण असंभव है, समीकरण असंभव है। बस हो गया सवाल। अब प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, थोड़ी सपोर्ट भी करनी है। तो इसके जो हमारे पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन थे, पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, मतलब प्रश्न नंबर 1 ये वाला, के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है श्रीधराचार्य, इसको समझाऊंगा अभी, और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा श्रीधराचार्य क्या होता है, श्रीधराचार्य, बस फॉर्मूला लिखता हूँ अभी, तो कल समझाऊंगा इसके बारे में। इसको होता फॉर्मूला x =
माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, ये होता है श्रीधर चार्य का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, मैं अगली वीडियो या इसकी अकेली ही बिल्कुल इसके निकालने से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको सीध करके दिखाऊंगा कि कैसे आया ये, और फॉर्मूला होगा मेरा ये वाला जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इससे सीध करके दिखाऊंगा इसको मैं। ठीक है फिर बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, तो बाय, अगली वीडियो मिलेंगे।